नमस्कार, इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के नेशनल हाईवे से। धुंध काफ़ी है, साल का पहला दिन है और एक अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने खबर दिखाई थी किस प्रकार से एक गाड़ी के अंदर दो लोग जो है वो मौत के घाट उतर गए थे। और ये देख सकते हैं किस प्रकार से एक ये ट्रक भी हादसे का शिकार हुआ है। लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं नेशनल हाईवे के बीचों बीच ये ट्रक खड़ा हुआ है और पीछे धुंध काफ़ी पड़ी हुई है। जी आपको बता दें यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। और फिलहाल अभी क्या कुछ कारण रहे इस गाड़ी के लगने के, करनाल की गाड़ी ही बताई जा रही है, एक ट्रांसपोर्ट की ये गाड़ी बताई जा रही है करनाल के ही, और किस प्रकार से नेशनल के हाईवे के बीचों बीच ये शिकार हुई है। ये गाड़ी सर जयपुर तो आई भर के, अच्छा करनाल की गाड़ी लोड सी, धुंध दे विच राती ना इत्थे कंटेनर खड़ा सी, एक खराब सी कंटेनर खराब सी शायद विच रोड ते खड़ा सीगा। तो अपना यह सवेर की गल है, अच्छा सवेरे 3-4 बजे की गल है कि वह कंटेनर को बचाने के चक्कर गड्डी उन्होंने इधर अपना की, तो फिर भी अपना कैबिन खत्म हो गया। ड्राइवर सेफ है, अच्छा ड्राइवर घरे गया है, नहीं कनैक्टर नहीं, केवल ड्राइवर कला ड्राइवर ते ड्राइवर सेफ है। कंटेनर वाला भज गया था? हां कंटेनर वाला उसे टाइम ही चला गया, नंबर वगैरह नोट हो कुछ नहीं सी नोट होया, लगदा नहीं धुंध बहुत सी सवेरे ते अपना वो रुकया नहीं। नेशनल हाईवे ते पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिदी जिवें गड्डियां खड़ी होंदियां ने सर, हुण तक अगर जे वेख्या जाए ही 2 घंटे ते सानू भी हो गए ने आए नु, कोई इत्थे पुलिस वाला नहीं आया, कोई इत्थे किसे नु कोई नहीं, अपना अपना साडे मालक ने कीती होई है। ते 112 वाले इत्थे हो के गए ने, वो रुके ही नहीं, रुके भी नहीं है। 112 वाले तो होके गए ने और रुके नहीं है। उस तो बाद अपना की ना लेंदे ने ना, इतने कोई भी नहीं आया, वेख के चले गए ने, किसी ने इतने गड्डी रोकी नहीं है। तुसी क्या सी रुको एक बारी हाथ दे सर, असि इतने सारे खड़े सीगे, असि अपना गड्डियां क्रॉस कराने क्योंकि कारा स्पीड चांदियां ने, उस टाइम तो सामने दोबारा फोन करो तो बहुत सी आ रहे ने, हुणे भाजी आंदे पे ने उने हो। अच्छा ड्राइवर नु चोट आई हल्की बुल? कोई चोट नहीं आई, कोई चोट ड्राइवर साइड कोई नहीं होया, कनेक्टर साइड गड्डी खत्म हुई है, कनेक्टर साइड गड्डी खत्म हुई है, बचाव रह गया। हाँ जी ड्राइवर का बचाव देख सकते हैं जान माल का, यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें वो बचाव रह चुका है। और आपको बता दें पूरी गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आपको बता दें पेट्रोलिंग ना होने के कारण एक खराब कंटेनर यहाँ पर खड़ा हुआ था, उस कंटेनर के पीछे से ये गाड़ी आकर लगती है। करनाल की गाड़ी थी, जिस प्रकार से ये हादसा हुआ आपको हमने बताया करनाल की गाड़ी है और जयपुर से लोड होकर आई थी। और यहाँ पर जो है बलड़ी बाईपास के पास आपको बता दें ये गाड़ी एक कंटेनर में जा टकराती है, जिसमें देख सकते हैं गाड़ी का काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जो जान माल का आपको बता दें फिलहाल गनीमत रही कि शुक्राना रहा भगवान का, सभी सुरक्षित हैं। फिलहाल ड्राइवर अभी घर बताया जा रहा है और गाड़ी के मालिक जो है वो यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से आगे रास्ता रोकने की कोशिश यहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हैं और यहाँ से रास्ता क्लियर कराते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज धुंध काफ़ी है, धुंध के कारण जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी जीरो है। जी आपको बता दें धुंध के कारण ये विजिबिलिटी जो है काफ़ी ज़ीरो है। और दूसरा हादसा है ये आपको हम जो अभी दिखा रहे हैं, सुबह का नया साल है और आज ठंड काफ़ी है आपको बता दें। और ये गाड़ी देख सकते हैं किस प्रकार से संतुलन बिगड़ने के कारण जो है जो रास्ते के अंदर, माफ़ कीजिएगा, हाईवे के नेशनल हाईवे के बीचों बीच जो डिवाइडर होता है उसके अंदर जा घुसती है। देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर किस प्रकार से यह हादसा कितना ज़बरदस्त रहा होगा, कितना तेज़ रहा होगा ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। नेशनल हाईवे की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, धुंध काफ़ी है। जी आपको बता दें अभी तक जो है धुंध काफ़ी, समय लगभग 9:30 बजे का है और देख सकते हैं एक ट्रक अभी भी यहाँ पर पेट्रोलिंग वालों को आने की ज़रूरत है, क्योंकि देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी स्पीड से आ रही हैं, आगे नहीं दिखता किस प्रकार से यहाँ पर रास्ता रुका हुआ है, फ़ोन में लगे होते हैं कुछ ड्राइवर, आगे नहीं देखते, इस तरह के हादसे का शिकार जो है वो हो जाते हैं। हमारी आप सभी से अपील है इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दे। देख सकते हैं गाड़ी के जो मालिक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर कैसे हादसा हुआ, क्या पता लगा आपको? ये आगे कोई गाड़ी खड़ी थी जी, हाँ जी। उसमें उसने अपना आईडिया डाले। रात को कहीं खराब हुई होगी गाड़ी थोड़ी बहुत, ये गाड़ी खड़ी हुई गाड़ी में लगी है। पुलिस नहीं पहुंची भाजी अले तक? पुलिस एक बार होके चली गई। तो नुकसान काफ़ी होया है? हाँ जी नुकसान।
देख सकते हैं पुलिस की क्रेन जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ से जो नेशनल हाईवे है वो क्लियर किया जाएगा। जो क्रेन है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब गाड़ी जो है क्रेन की सहायता से जो है गाड़ी को साइड पर किया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। नेशनल हाईवे के बीचों बीच ये हादसा हुआ है और आज से इस तरह के हादसे दो या तीन आज हमारे को हाईवे पर दिखाई देने को मिले हैं। हमारी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देख सकते हैं किस प्रकार से ये हादसा रहा। हालांकि अब बता दें सभी इसी के गाड़ी के जो चालक थे सुरक्षित बताए जा रहे हैं, फिलहाल वो घर पर हैं। उन्होंने बताया कि एक कंटेनर आगे ख़राब बताया जा रहा था जिसके अंदर ये गाड़ी लग जाती है। गाड़ी का नंबर HR45C5982। जी हाँ, आपको बता दें गाड़ी का नंबर है HR45C5982। जी आपको बता दें एक बड़ा कंटेनर था, इसके अंदर जयपुर से सामान लोड कर करनाल आया था और रास्ते के अंदर यहाँ पर करनाल पहुँचते ही ये कंटेनर ख़राब बताया जा रहा था। कंटेनर फिलहाल यहाँ से फरार हो चुका है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुँच गई है, क्रेन मौके पर पहुँच गई है और क्रेन की सहायता से ही गाड़ी को साइड पर किया जाएगा ताकि नेशनल हाईवे की आवाजाही जो है वो सुचारू रूप से चालू हो पाए। इस खबर को देखने वाला इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हमारी आप सभी से एक ही अपील रहेगी, अगर धुंध दिखती है तो धुंध में कृपया सफ़र ना करें, क्योंकि इस तरह के हादसे काफ़ी दिखाई देने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहाँ है आपको बता दें, टोल टैक्स वसूला जाता है। अगर पेट्रोलिंग होती तो वो गाड़ी यहाँ पर ख़राब दिखाई दे रही होती है, उसको साइड पर कराया जाना था। हालांकि आपको बता दें ये गाड़ी उस हादसे का शिकार हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का यहाँ पर ढिलाई जरूर देखी गई है। अब देख सकते हैं किस प्रकार से नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहाँ पर है, एक बड़ा सवालिया निशान है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अभी तक भी यहाँ पर नहीं पहुँचा कि यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाकर पिछले वाहनों को सूचित कर दिया जाए कि आपके एक हादसा हुआ है। पर आपको बता दें अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। हमारी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। एक बड़ा हादसा हुआ है, आपको बता दें नेशनल हाईवे के ऊपर नेशनल हाईवे अथॉरिटी क्यों नहीं नजर आ रही। जी आपको बता दें एक बड़ा सवाल है, इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारे पास और दो टन वजन उठाने वाली छोटी क्रेन है, तो नेशनल हाईवे वालों के टोल वालों का की जिम्मेवारी बनती है बड़ी क्रेन साथ में प्रोवाइड करवाने की, और उन्हीं की जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है। जो छोटी छोटे मोटे व्हीकल हैं तो हम हटा देते हैं, लेकिन बड़े व्हीकल हमारे से हटा देते हैं। बड़ा कैंटर कहा जा रहा है खड़ा था रोड पर, क्या रात को पेट्रोलियम नहीं होनी चाहिए जिस प्रकार? बिल्कुल होनी चाहिए सर, अगर उनकी पेट्रोलिंग होती या मान ले पीछे कोण काण लगा देते तो उससे जो है ना हादसे टल सकते हैं, रुक जाते हैं, रुक सकते हैं सर। ठीक है।